आग्नेय कोण अर्थात पूर्व और दक्षिण का कोना, पूर्व दक्षिण दिशा के मध्य का जो कोणीय स्थान है वो आग्नेय कोण के नाम से जाना जाता है। जैसे नाम वैसे दर्शन, नाम से ही साफ हो जाता है कि यह स्थान अग्नि देवता का प्रमुख स्थान है, इसलिए आग्नेय कोण में रसोई या अग्नि संबंधी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि रखने के लिए इसे विशेष शुभ माना जाता है। शुक्र ग्रह जो है वो इस दिशा के स्वामी है। आग्नेय कोण का वास्तु सम्मत होना उस घर में रहने वाले सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। भवन की आग्नेय दिशा अर्थात पूर्व दक्षिण का कोना अग्नि का स्थान है, जिसके स्वामी दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य हैं। परंतु अग्नि का स्थान होने से मंगल देव का भी समान आधिपत्य है। यह एक ऐसा कोना है, अगर हम आध्यात्म की बात करें, वास्तुशास्त्र की बात करें, तो यह जो स्थान है वह अग्नि का स्थान है। इसका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इस अग्नि कोण का बहुत ज्यादा बढ़ना या बहुत ज्यादा घटना दोनों ही कंडीशन में नुकसानदेह साबित हो जाता है। विज्ञान की भाषा में यदि हम बात करें तो यह वह कोना है जहां सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक घर में शुद्ध ऊर्जा का संचार बहुत ज्यादा होता है। देखिए, जब भी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है तो वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ वो फ्लो करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने साउथ ईस्ट कॉर्नर जिसको हम बोलते हैं, आग्नेय कोण जिसको बोलते हैं, पूर्व दक्षिण का कोना जिसको बोलते हैं, उसमें किचन बनाने का स्थान बताया है। क्यों क्यों बताया? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो यदि हम आग्नेय कोण में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में यदि हम किचन बनाते हैं, रसोई घर बनाते हैं, तो वहां पे पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उस जगह पे किसी भी प्रकार की जो बैक्टीरियाज हैं, कीटाणु है, जीवाणु है, वो पनप नहीं पाते। इससे वहां पर जो खाना बनता है वो बड़ा शुद्ध होता है, जिससे घर के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो ये स्थान वो है जहां पर आपका किचन होना चाहिए, आग्नेय कोण होना चाहिए। समझ गए आप? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आग्नेय कोण में क्या होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यह स्थान आपके घर में रसोई का सबसे उपयुक्त स्थान है। पूरब देखते हुए खाना बनाओगे, सुख शांति समृद्धि रहेगी। उत्तर देखते हुए खाना बनाओगे, सात पीढ़ियां कर्जे में डूबेगी। पश्चिम देखते हुए खाना बनाओगे, पेट, त्वचा, हड्डी के रोग बने रहेंगे। और दक्षिण देखते हुए खाना बनाओगे तो काल प्रवेश करेगा, राहु केतु की दिशा, हर काम में हर्डल्स आएंगे, रुकावट आएंगी। आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। मेरा काम आपको रास्ता दिखाना। यहां पर आप विद्युत उपकरण रख सकते हैं। यह जो स्थान है आग्नेय कोण, ईशान और वायव्य से ऊंचा लेकिन नैऋत्य से नीचा होना चाहिए। आग्नेय कोण जो है वो नैऋत्य से नीचा होना चाहिए, बाकी जो दो कोने हैं ईशान और वायव्य कोण उससे ऊंचा हो। जनरेटर, इन्वर्टर, बिजली के मीटर वहां पर रखने चाहिए। यदि संयुक्त परिवार है, घर में बच्चे वाले परिवार हैं, कोई विवाहित हैं, तो घर के छोटे बेटे का कमरा वहाँ बना देना चाहिए, ये ध्यान रखिए। वैसे हम लोग गेस्ट रूम बोलते हैं, अगर वहाँ पर कोई रूम भी हो तो गेस्ट रूम हो, क्या ना हो, आइए इस पे भी चर्चा करते हैं। तो आग्नेय कोण का किसी भी दिशा में बढ़ना शुभ नहीं माना जाता है, संशोधित करके उसको वर्गाकार आयताकार कर सकते हैं। जल स्थान या बोरिंग भूल के भी मत बनाइए, क्योंकि ऐसा होने पर यह बेहद मारक प्रभाव देने लगता है। वही बात जो हमने ईशान कोण के बारे में बताई। तो जहां अग्नि का वास है वहां पे आपने जल बना दिया, आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक रख दिया, आपने ओवरहेड टैंक रख दिया, तो आपके घर की बर्बादी को कोई भी भगवान की पूजा पाठ नहीं रोक सकती। सेप्टिक टैंक बना देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो अग्नि कोण में पॉटी वाला सेप्टिक टैंक बना देते। अब बताइए बुद्धि कहाँ जाती है और कैसे उस परिवार में सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी, समझ सकते हैं आप। आग्नेय कोण को कभी भी खुला मत छोड़िए, घर में सबसे ऊंचा नहीं बनाइए, स्टोर रूम भी नहीं बनाना चाहिए, बच्चों के पढ़ने का कमरा नहीं बनाना है, उच्चाटन बना रहेगा,
गुस्सा आएगा बार बार। बेडरूम तो भूल के भी नहीं बनाना चाहिए। पति पत्नी लठ बजाते फिर यदि आग्नेय कोण में बेडरूम हो तो। पंडित जी, आखिर में आग्नेय कोण में वास्तु दोष दूर करने के कुछ उपाय जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं आग्नेय कोण में वास्तु दोष दूर करने के बगैर तोड़ फोड़ के सरल उपाय। यदि आपकी रसोई या बिजली का मीटर आग्नेय कोण में नहीं है और वहां कोई अन्य गंभीर दोष हो तो उस दिशा में वैसे भी लाल रंग का एक बल्ब आग्नेय कोण के जो कमरा है उसमें 24 आवर्स 24 घंटे लाल रंग का एक छोटा बल्ब जलना चाहिए। सरसों के तेल का एक दीपक अग्नि देवता के सम्मान में 40 दिन कम से कम एक प्रहर यानी 3 घंटे तक अवश्य चलाइए। आपको लगता है कि आपके घर का आग्नेय कोण दूषित है, वास्तु सम्मत नहीं है, तो मंगल देवता शुक्र देव के निमित्त दान जाप तथा मंगल यंत्र शुक्र यंत्र की अपने पूजा घर में स्थापना करें। हनुमान जी की आराधना करें, शांति मिलेगी, लाभ मिलेगा। चूंकि आग्नेय का स्वामी जो ग्रह है वो शुक्र है, वो दाम्पत्य संबंधों का कारक है, अतः इस दिशा के दोषों को दूर करने के लिए अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम रखिए, आदर भाव रखिए, बात बात पे अपने घर की जो स्त्रियां हैं उनको हड़काया मत कीजिए, सम्मान कीजिए उनका, और घर की स्त्रियों को भी सुहागन का जो सम्मान है वो किसी योग्य ब्राह्मण की जो पत्नी हो उसको शुक्रवार को दान करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, सौंदर्य प्रसादन, श्रृंगार सामग्री, आभूषण इत्यादि भेंट करे तो ईशान कोण में दोष होने के बावजूद भी उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुख में बना रहता है। तो जिस घर के ईशान कोण में दोष है उस घर में रहने वाले जो पति पत्नी हैं उनमें सामंजस्य की कमी रहती है। तो ये सरल से उपाय है। ऋग्वेद में भी एक उपाय बताया कि अग्नि देव की पवित्र जो स्तुति है उससे भी विशेष लाभ मिलता है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति रखने से भी आग्नेय कोण का दोष दूर होता है। प्रत्येक शुक्रवार को ब्राह्मण को दही, चीनी, चावल, श्वेत वस्त्र का दान करें। गौ माता को रोटी पर देशी घी लगाकर गुड़ के साथ, डालडा नहीं, डालडा का प्रचलन बंद कर दीजिए, शुद्ध देशी घी लगा के गुड़ के साथ में गौ माता को भोग देने से भी आग्नेय कोण का जो दोष है वो दूर होता है। तो